नमस्कार दोस्तों, सोना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए आलू पराठा की रेसिपी लेके आए हैं। आलू पराठा खाना तो सबको पसंद है, बच्चों की तो भारी डिमांड होती है आलू पराठा बनाने की। आप या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, ऑफिस भी ले जा सकते हैं, और या सफ़र में भी बना के ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है छान के। अब इसमें हम डालेंगे घी, हमने 2 टेबल स्पून इसमें घी डाल लिया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक और घी और आटे को अच्छे से मिक्स करिए ताकि घी पूरा आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे पराठा एकदम सॉफ्ट बने। अब पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए सॉफ्ट डो लगाना है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना है। देखिए हमने गूंद लिया। अब इसको आप ढक के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। तब तक चलते हैं आगे आलू की तरफ। ये हमने 5-6 आलू बॉयल करके ठंडा करके और इसको हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है। आप चाहे कद्दूकस कर लीजिए। चलिए इसमें डालते हैं मसाले। मसाले में हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून धनिया और 3/4 टेबल स्पून हमने मिर्ची लिया है, और इसमें 1/2 टेबल स्पून भुना जीरा और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 पिंच हमने हींग लिया है, और नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। चलिए मसाले डाल लेते हैं। धनिया, जीरा, चाट मसाला, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हींग सब अच्छे से इसमें डाल दिया। और हमने 1/2 नींबू का रस निचोड़ के ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है 1 प्याज मीडियम साइज का, इसको बारीक बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा धनिया हमने धो के अच्छे से इसको भी बारीक काट लिया है, और 2 मिर्ची और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको भी हमने बारीक काट के ले लिया है। चलिए अब ये भी इसी में डाल लेते हैं। प्याज, अदरक, मिर्ची ये सब अच्छे से इसमें डाल दीजिए, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब डालने से। अब इसको मिक्स करेंगे, चाहे आप चमचे से मिक्स कर लीजिए और चाहे आप हाथ से मिक्स करिए, आपको जैसे आसान लगता है आप उसी तरीके से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, मसाला और आलू अच्छे से मिल जाए। चलिए इसको रखते हैं, चलिए बनाते हैं। हमने थोड़ी सी लोई तोड़ ली है। रोटी जो बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा आप लीजिएगा ताकि आलू भरने में आसानी हो। इसमें सूखा आटा लगाएंगे, सूखा आटा अच्छे से लगा लीजिए और बस इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसमें आलू भरने के लिए थोड़ा सा बड़ा करने के लिए उंगली और अंगूठी की मदद से आप चारों तरफ से दबाते हुए इसको बड़ा कर लीजिए। चलिए अब इसमें आलू डालते हैं। 1 टेबल स्पून हमने भर के लिया है, थोड़ा सा और डालेंगे। आप जितना आसानी से भर सकते हैं उतना आलू ले लीजिए, और बस इसको बंद करने के लिए गोल गोल चारों तरफ से उठाइए और आटे को ऊपर लाते हुए इसका मुंह बंद कर दीजिए। बस हो गया तैयार। इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लीजिए। अब बेलन की सहायता से इसको बेलिए, मोटा पतला आप अपने इच्छा अनुसार जैसा रखना चाहते हैं वैसा रखिए। एक हमने बेल लिया, चलिए हम इसको रख लेते हैं। अब एक और आपको बेल के दिखाते हैं। बस इसी तरह से आप इसको फैला लीजिए, अब इसमें आलू का मिश्रण डालते हुए आप इसका बंद करिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपका सपोर्ट यूँ ही मिलता रहे, और हम आपके लिए ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी लेके आते रहें। देखिए हमने इसको भी फैला लिया। अब चलिए इसको बेलते हैं। आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएगा, और आप इसी तरीके से हर बार बनाना पसंद करेंगे। तावा रख लिया, उसमें हमने लगा लिया थोड़ा सा घी।
आप घी या तेल किसी से भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा। बस इसको अब पलट देते हैं। बस इसी तरीके से आपको सेकना है पराठा। हम इस तरफ भी घी लगा लेते हैं। घी अच्छे से फैला दीजिए। घी में सेका हुआ पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में। सर्दी का मौसम है, गर्मा गर्म पराठा मिल जाए तो क्या कहना, सबको बहुत अच्छा लगता है। इसको हमने निकाल लिया और दूसरा पराठा हमने डाल लिया। ये भी हो गया, इसको पलटते हैं। घी लगाएंगे, बढ़िया से फैला दीजिए ताकि हमारा पराठा अच्छे से सिके। पलटेंगे, घी लगाएंगे अच्छे से, ऐसे उलट पलट के इसी तरह से सेकना है। आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा आगे आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। देखिए हमारा पराठा फूल रहा है, करीब करीब पराठा अब हो गया है, सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए प्लेट में निकालते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट पराठा बनके तैयार हुआ, हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए एकदम आलू भरा हुआ है। आप चाहे चटनी से खाइए चाहे दही से खाइए, पराठा दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।